तो जल्दी सारे ज्वाइन करो, लिंक नू कर दो शेयर ताकि सारे जल्दी ज्वाइन कर सकन। अज दी पंजाबी दी क्लास दे विच डिस्कस करांगे जी SSA चंडीगढ़ दा TGT दा 2015 दे विच होया है। अज इस दे विच तो लैके 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करन वाले हां। ते वैसे कल तुहानू जिवें कि सब नू पता ही है कि PGT दा एग्जाम है SSA चंडीगढ़ दा। इस तो अलावा एक वैकेंसी होर आई है TGT चंडीगढ़ दी, जिसका ये पेपर है, तो उस बारे भी फुल डिटेल तुहानू मिल जाएगी अपने ग्रुप च। इस दियां लगभग पोस्टा तो चलो घट ही ने, शायद 20 होणगियां, बट जो भी है पोस्ट एक चाहिए होंगी है, अप्लाई जरूर कर सकते हैं जिहड़े भी करना चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दें जी अज दी क्लास ते वधदे हां जी। क्वेश्चन नंबर अपना अपने टैलीग्राम ग्रुप @ पंजाबी तैयारी पंजाबी तैयारी दे लई GT+B दे लई SSA चंडीगढ़ दे लई। इस तो अलावा स्कूल कंटेंट दे लई @RK ऑनलाइन स्कूल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ETT A&B दे लई ETT पेपर A&B ग्रुप ज्वाइन करो। मास्टर कैडर SS की तैयारी के लिए @SS तैयारी ग्रुप में ज्वाइन किया जाए, अपनी लोड़ के अनुसार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन लेवल बढ़ते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन है गणिका चढ़ी विमान कमाई क्या करी, सत्र का लेखक कौन है। ऑप्शन है बुल्ले शाह, बी नजावत, सी पीर मुहम्मद, डी वजीद। प्रश्न नंबर 1 के लिए सही उत्तर चुनिया जाए। हाँ जी, प्रश्न नंबर 1 के लिए सही उत्तर चुनो। तो इस तों अलावा ऑडियो वीडियो की भी कन्फर्मेशन दो कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि जे कोई ऑडियो वीडियो की समस्या है तो वह हुण सॉल्व की जा सकती है। क्लास चल रही दे विच सॉल्व करना उसमें औखा हो जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग जी, सब नूं बहुत बहुत स्वागत है जी सब दा जी। प्रश्न नंबर 1 दे लई जिन्हों का भी आंसर आ रहा जी वजीद, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर हाँ जी बढ़ते हैं जी। 2 नंबर अली हैदर किस धारा का कवि है, ऑप्शन ए सूफी, बी गुरमत, सी भगत, ते डी आधुनिकतावादी। क्वेश्चन नंबर 2 दे लई आंसर करिया जावे। 2 नंबर क्वेश्चन दे लई करैक्ट आंसर करो, अली हैदर किस धारा का कवि है। जी क्वेश्चन नंबर 2 दे लई आंसर चुनिया जावे, अली हैदर किसका अवतारा दा कवि है, सूफी, गुरमत, भगत, आधुनिकतावादी। सो जिहड़े भी आंसर कर रहे ने जी ऑप्शन ए सूफी का अवतारा दा जी, ऑप्शन ए आंसर करन वाले सारे कैंडिडेट ठीक ने। बाकी नोट करनगे जिन्हां दा ए तो सवाई कोई होर आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 दे वल वधदे हां जी, बुल्ले शाह दा जन्म कदों होया। ऑप्शन ए 1670, बी 1680, सी 1690, ते डी 1701। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 3, बुल्ले शाह दा जन्म कदों होया। बुल्ले शाह दा जन्म होया जी 1680 ईस्वी दे। क्वेश्चन नंबर 4 दे वल वधदे हां जी, अपने तन दी सज्जन दी खबर लियावे, कौन ना हम कौन ना हम खाकी, ना हम आश, ना पानी ना पाउण। ये 17 किस दियां ने, ऑप्शन ए शाह हुसैन, बी सुल्तान बाहू, सी बुल्ले शाह, ते डी गुलाम फरीद। दित्तियां गईयां 17 किस दियां ने, सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 दे लई चुनिया जावे जी। हाँ जी बुल्ले शाह दियां ने, सो ऑप्शन सी आंसर करन वाले सारे ठीक। बाकी नोट करनगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे वल वधदे हां। 5 नंबर क्वेश्चन, खानदान विच चिश्त दे कामलियत शहर फकर दा पटन मशहूर है जी, ये 17 किस दियां ने, ऑप्शन ए दमोदर, बी वारिस शाह। क्वेश्चन नंबर 5 लई आंसर करो। इस पेपर दे विच 17 काफ़ी ज़्यादा पूछिया गई ने, सो जे कोई SSC थोड़ा जहा इस चीज़ ते जरूर ज़्यादा पूछिया गई ने। हाँ जी बाकी नोट डाउन कर। क्वेश्चन नंबर 6, रानी कोकला कौन सी, ऑप्शन ए हीर दी माँ, बी सस्सी दी माँ, सी राजा रसालू दी प्रेमिका, डी रांझे दी प्रेमिका। 6 नंबर दे लई आंसर चुनिया जावे, रानी कोकला कौन सी।
रानी कोकला सी जी राजा रसालू की प्रेमिका, ऑप्शन सी होगा करैक्ट आंसर। सी जिन्ह ने चुनिया शब्द ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा पिशोर दे विच यारो हरी सिंह हुण राज कमाउण लगा तुक्कां दा लेखक कौन है? ऑप्शन ए शाह हुसैन, बी बुले शाह, सी कवि सौंधा सिंह, डी कादर यार। क्वेश्चन बाकी नोट करन जी। क्वेश्चन नंबर 8 दे वल वधदे हां जी। 8 नंबर क्वेश्चन ए शाह मुहम्मद का जन्म कदों होया? ऑप्शन ए 1780, बी 1862, सी 1782 ते डी 1783। प्रश्न नंबर 8 दे लिए आंसर करो जी। क्वेश्चन नंबर 8 दे लिए आंसर आ जावे। देखो मास्टर कट दे विच शाह मुहम्मद का जन्म पूछा गया सी, पर उहदे विच लगभग सेम ही ऑप्शन सी। आई थिंक जे नहीं भी सी तां 1780 जिहड़ा ऑप्शन है ये जरूर सी। इस दे बावजूद उत्थे ग्रेस मार्क दे के सब नूं बराबर नंबर दे दिता गया एक एक उहदा, पर इत्थे आंसर ये ऑप्शन 1780 करैक्ट मन्निया गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 दे वल वधदे हां जी। 9 नंबर गंगोत्री जिथों गंगा निकलदी है लेखक दा लेख दा लेखक कौन है? गंगोत्री जिथों गंगा निकलदी है लेख दा लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन, बी मनमोहन बावा, सी बावा बलवंत ते डी बलवंत सिंह। 9 नंबर दे लई आंसर चुनो। किस दी रचना है गंगोत्री जी? हाँ जी ये रचना है जी मनमोहन बावा दी, ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर चुनिया है सब दा है बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 दे वल वधदे हां जी। 10 नंबर क्वेश्चन आलणे दे बूट कहानी दा लेख है? ऑप्शन ए कुलवंत सिंह विरक, बी संत सिंह सेखों, सी गुरमुख सिंह मुसाफिर ते डी संतोख सिंह। 10 नंबर लिख लो आंसर। प्रश्न नंबर 10 दे लई सही उत्तर चुनिया जावे। हाँ जी 10 नंबर दे लई जिहड़े आंसर कर रहे ने जी गुरमुख सिंह मुसाफिर। गुरमुख सिंह मुसाफिर की कहानी है आलणे दे बोट। क्वेश्चन नंबर 11 दे वल वधदे हां। पत्ता कहानी किस दी है? ऑप्शन ए संत सिंह सेखों, बी नानक सिंह, सी सुजान सिंह, डी वरियाम सिंह संधू। पत्ता कहानी किस दी है आंसर चुनिया जावे क्वेश्चन नंबर 11 दे लई। 11 नंबर दे जिहड़े भी आंसर कर रहे ने जी संत सिंह सेखों, ऑप्शन ए शब्द है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 दे वल वधदे हां जी। 12 नंबर ए तू मेरा कद वेख्या है, जे इतना कद किसी कुड़ी का होवे किस लेखक की कहानी दियां सतरां हन? ऑप्शन ए करतार सिंह दुग्गल, बी नानक सिंह, सी गुरदयाल सिंह ते डी वीणा वर्मा। ये कुछ ज़्यादा ही डीप पूछ लिया गया है क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 दे लई सही आंसर चुनिया जावे ये करतार सिंह दुग्गल की कहानी दियां सतरां ने, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करतार सिंह दुग्गल जिन्होंने आंसर किया सब दा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर ए शेर होने तक कहानी का लेखक है? ऑप्शन ए प्रवेश संधु, बी गुरदयाल सिंह, सी संतोख सिंह धीर, डी राम स्वरूप अणकी। प्रश्न नंबर 13, 13 नंबर लिए चुनो सही उत्तर। 13 दे लिए जिन्ना दा भी आंसर आ रहा जी ऑप्शन सी संतोख सिंह धीर, संतोख सिंह धीर जिन्ना दा आंसर आ रहा बिल्कुल सही आंसर है जी संतोख सिंह धीर की कहानी है शेर होने तक। क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 है जी। बड़ा औखा काम ए साइकिल नाल भी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਬੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਤੇ ਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਲਈ ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਜੀ। 14 ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਸਰ 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸ਼ੇਰਨੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। 15 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਉਜਾੜ, ਬੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ, ਸੀ ਗੋਈ, ਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਲਈ ਆਂਸਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ?
गोई कहानी है प्रेम प्रकाश दी। ऑप्शन सी आंसर है बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर एक गुरदयाल सिंह दी कहानी है। ऑप्शन ए भज्जिया बाही, बी मैनू जानना है, सी खब्बर, डी सग्गी फुल। 16 नंबर क्वेश्चन लिए आंसर चुनिया जाए, गुरदयाल सिंह दी कहानी केड़ी है। हाँ जी, गुरदयाल सिंह दी कहानी है ऑप्शन डी सग्गी फुल जिहड़े आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी नोट करन। क्वेश्चन नंबर 17 दे वल वधदे हां जी। 17 नंबर है जी, मोह मिट्टी कहानी किसने लिखी। ऑप्शन ए बलजीत कौर बल, बी अमृता प्रीतम, सी अजीत कौर, डी सुखवंत कौर मान। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 दे करो जी। 17 नंबर दे लई उत्तर चुनिया जाए, मोह मिट्टी कहानी किस दी लिखी हुई है। सुखवंत कौर मान जिसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे वल वधदे हां, 21वीं सदी कहानी का लेखक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं TGT SSC TGT चंडीगढ़ के। दो तरह के कीड़े ने, एक तो लेखक पूछा गया किसी रचना का, तो दूसरा 17 इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आ। 21वीं सदी कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन गुरबचन सिंह भुल्लर, बी जसबीर सिंह, जसबीर भुल्लर, सी जसविंदर सिंह, डी प्रेम प्रकाश। 18 नंबर लई जिहड़े आंसर कर रहे हैं गुरबचन सिंह भुल्लर, ऑप्शन ए सबदा है ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, बिरहों फरीद थ्यों जो साथी, जैडा रावल पाकर चाथी। 17 किस कवि दियां हन? ऑप्शन ए बाबा फरीद, बी शाह सरफ, सी ख्वाजा गुलाम फरीद, ते डी दमोदर। प्रश्न नंबर 19 नंबर दे लई सही उत्तर चुनिया जाए, दित्तियां गई 17 किस दियां ने? ये 17 ख्वाजा गुलाम फरीद जी दियां ने। ऑप्शन सी होवेगा करैक्ट आंसर, सी आंसर करने वाले ठीक ने। क्वेश्चन नंबर 20, असल च क्वेश्चन दे विच आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 20 है स्वाद सात ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਸਨ, ਕਸ਼ਖਤ ਲਿਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਣੀ। ਸੋ TGT ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 17 ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। 17 ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 20 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 17 ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ? 17 ਨੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਂਸਰ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21, ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਆਤਮਜੀਤ, ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਡੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਲਈ ਆਂਸਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ 21 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ, ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਡੀ ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਏ, ਕਰੋ ਆਂਸਰ ਜੀ। ਜੀ 22 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜੋੜ ਵਿਆਹ ਆਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਬਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ, ਬੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
एक है ताश दी बाजी, एक और रचना जो अजमेर रोडी दी है, पर वो कविता है। ठीक है, इस तरह सेम नाँ दियाँ कुछ रचनावां ने जो कन्फ्यूजन पैदा कर दिया ने। क्वेश्चन नंबर 24 दे वल वध दे। ठीक है, इतने बी का कन्फ्यूजन क्वेश्चन मतलब मार्क इस करके लाया सी कि थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आंसर ठीक है जी अमरीक सिंह ही होगा पिछले क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 24, अन्ने निशान ची एकांगी का विषय की है। ऑप्शन है 1947 के दंगे, बी 1984 के कतल सी, भारत पाक की लड़ाई, ते डी संसार अमन। क्वेश्चन नंबर 24 दिल आंसर चुना जी। 24 नंबर दिल सही उत्तर चुनिया जा। बिल्कुल ठीक है सब दा। बाकी नोट करनगे जी जिन्हों का ए तो सवाई कोई होर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु अमरदास जी का जन्म कदों होया। ऑप्शन है 1469, बी 1479 सी, 1499 ते डी 1507। प्रश्न नंबर 25 नंबर लिए आंसर करो जी। हाँ जी 25 नंबर लिए जिन्हों का आंसर आ रहा है जी 1479। बिल्कुल ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने भट्टां दी बाणी दर्ज है। देखो किन्ने सौखे क्वेश्चन है जी। ऑप्शन है 11, बी 12 सी, 13 डी 15। 26 नंबर लिए आंसर चुनिया जाए, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किन्ने भट्टां दी बाणी दर्ज है। हाँ जी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई इस क्वेश्चन दे विच भी, कन्फ्यूज़ होने वाली कोई गल नहीं है। जदों भट्ट पुछे जाण, भट्ट सिर्फ दो अक्षरां दा शब्द है ते आंसर 11। जदों भगत पुछे जाण, अक्षर इहदे च तिन्न ने ते आंसर होवेगा 15। हुण देखो याद की रखना, याद ही रखना जे घट अक्षर तां घट आंसर, ते जे वध अक्षर तां फिर वध आंसर। मतलब कि 11 ते 15 ये तां याद रहिंदा ही रहिंदा, पर जिहड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है वो ये हो जाती भी भगत 11 ने जां भट्ट 11 ने। ठीक है जी, स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही, नेटवर्क इशू तो नहीं है। अच्छा जी नेटवर्क इशू हो सकता है, जस्ट वेट जी। तीसरी सी जां फिर हमने समस्या हुई है जी। हाँ जी आंसर करिया जावे, रिप्लाई करिया जावे कि हम सब ठीक चल रहा है जां नहीं, ते हमने प्रॉपर नहीं चल रही या फिर पहला तो ही शुरू तो ही नहीं चल रही जी। हम देखो जी तो कन्फर्म कराया जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा जी। असल जो नैटवर्क ना कई बार घट जाता है, नैटवर्क इशू दे करके हो जाता है जी। चलो जी अगे वधदे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 दे लई आंसर मैं कर ही चुका जी कि जदों घट अखर तां घट गिणती, ते जदों वध अखर तां फिर वध गिणती। क्वेश्चन नंबर 27 दे वल वधदे हां, गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है। बहुत सौखा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 10। प्रश्न नंबर 27 दे लई आंसर चुनो जी। 27 नंबर लई जी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु साहिब की बाणी दर्ज है, 6 गुरु साहिबान। ऑप्शन बी होगा करैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विछड़ी रूह कविता का करता है। ऑप्शन ए धनी राम चात्रिक, बी गुरमुख सिंह मुसाफिर सी, सुरजीत पात्र, डी भाई वीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 लिए आंसर चुनो जी। प्रश्न नंबर 28 के लिए सही उत्तर चुनिया जाए, विछड़ी रूह का करता भाई वीर सिंह जी की रचना है। ऑप्शन डी होगा करैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पंजाबी का पहला आधुनिक कवि कौन मनिया जाता है। ऑप्शन है शाह मुहम्मद, बी भाई वीर सिंह सी, धनी राम चात्रिक, डी प्रोफेसर पूरन सिंह। हाँ जी ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक कवि, पहला आधुनिक कवि पूछा है, बिल्कुल ठीक है जी। भाई वीर सिंह आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हल वाहुण वाली कविता का लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मोहन सिंह, बी प्रोफेसर पूरन सिंह, सी संतोख सिंह धीर, से डी अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 30 दे लिए आंसर चुनो जी। हाँ जी, हल वाहुण वाली कविता रचना है यह प्रोफेसर पूरन सिंह दी, ऑप्शन बी है आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है जी, समाधि माँ दे वासल प्यार दी सदा पूर्ण, एक काव्य सत्र जो है इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए कादर यार, बी शिव कुमार बटालवी, सी प्रोफेसर मोहन सिंह, डी प्रोफेसर पूरन सिंह। हाँ जी, प्रोफेसर मोहन सिंह दे पूरन सिंह जे जिहड़े नाँ ने ये थोड़े प्रोफेसर शब्द ते अगे भी तीन ते पांच, तीन ते दो पांच, तीन ते दो पांच अखरां दा नेम किते ना किते सिमिलैरिटी जी पैदा करते हैं, जिस करके एक कन्फ्यूजन जी पैदा होने का डर रहता है, इस करके इन दोहां ऑप्शन नूं मोस्टली इकट्ठा पा दिता जाता है ऑप्शन दे विच। 31 नंबर के लिए आंसर करिया जावे, आंसर है प्रोफेसर पूरन सिंह। हाँ जी, प्रोफेसर पूरन सिंह दी सत्र है। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, सुखी जीवन दी कुंजी कविता दा करता है? ऑप्शन ए धनी राम चात्रिक, बी दीवान सिंह कालेपाणी, सी प्रोफेसर पूरन सिंह, डी सुरजीत पात्र। 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करो जी, सुखी जीवन दी कुंजी किस दी रचना है? ये रचना है जी धनी राम चात्रिक दी। सो जेड़े आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर जी, छत्तों दी बेरी किस दी लिखी कविता है? ऑप्शन ए भाई वीर सिंह, बी अमृता प्रीतम, सी शिव कुमार बटालवी, ते डी प्रोफेसर मोहन सिंह। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 लिए करो जी, करो जी 33 नंबर लिए आंसर, छत्तों दी बेरी किस दी रचना है? 33 नंबर दे लिए जिन्हों का भी आंसर आ रहा है जी ऑप्शन डी प्रोफेसर मोहन सिंह बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है, चेत्र दा वणजारा आया बुझकी मोडे चाई वे, असां व्याह जी प्यार कथोरी पहिंदी रही लुकाई वे, 17 किस दियां ने? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी प्रीतम सिंह सफीर, सी प्रोफेसर मोहन सिंह, डी प्यारा सिंह सहराई। प्रश्न नंबर 34 नंबर लिए करो जी आंसर। हाँ जी, 34 नंबर के लिए जेडे ऑप्शन ए दे नाल जा रहे हैं अमृता प्रीतम, बिल्कुल ठीक है, अमृता प्रीतम दी 17 ने। क्वेश्चन नंबर 35, कुफर कविता दा करता कौन है? ऑप्शन ए धनी राम चात्रिक, बी कवि सौदा सिंह, सी अमृता प्रीतम, डी नवतेज भारती। प्रश्न नंबर 35 लिए आंसर करो जी, 35 नंबर के लिए सही उत्तर चुने जाए। हाँ जी, कुफर कविता का करता पूछा गया है, जेड़े आंसर अमृता प्रीतम कर रहे हैं ऑप्शन सी ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, रोज़ उसका हार टुट जाया करे मुस्करा दी आके बनवाया करे, 17 किस कवि दियां ने? ऑप्शन ए बाबा बलवंत, बी अमृता प्रीतम, सी पाश, ते डी प्रोफेसर पूरन सिंह। हाँ जी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होगा क्योंकि लगभग सबनों पता होना आंसर इस क्वेश्चन का, क्यों जी 36 नंबर लिए जेडे आंसर ऑप्शन ए दे नाल जा रहे हैं बाबा बलवंत, बिल्कुल सही उत्तर है जी। क्वेश्चन नंबर 37 दे वल वधदे हां, पिता जे धी दा रूप हंडावे लोकावे तैनू लाज ना आवे, ये 17 दा कवि है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी सुखपाल, सी प्रभजोत कौर, ते डी शिव कुमार बटालवी। क्वेश्चन नंबर 37 लिए आंसर चुनो जी। हाँ जी, 37 नंबर दे लिए सही उत्तर चुनिया जावे जी, ये रचना है शिव कुमार बटालवी दी, ऑप्शन डी है बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, सोजा मेरे मालका वरान हुई रात कविता दा सिरजनहार है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी डॉक्टर हरभजन सिंह, सी पाश, डी डॉक्टर जगतार। 38 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर 38 नंबर के लिए चुनो जी, दित्तियां गई 17 दा दित्ती गई कविता दा सिरजनहार कौन है? हाँ जी, ये रचना है डॉक्टर हरभजन सिंह दी जी, बी ऑप्शन वाले ठीक ने,
क्वेश्चन नंबर 39, बलूंगा कविता किस दी है? बलूंगा कविता किस दी? ऑप्शन है संतोख सिंह धीर, बी बाबा बलवंत, सी डॉक्टर जगतार, डी डॉक्टर हरभजन सिंह। 39 नंबर क्वेश्चन लई करैक्ट आंसर चुनिया जाए जी। प्रश्न नंबर 39 सही उत्तर 39 नंबर चलो चुनो। बलूंगा कविता का लेखक कौन है, किस दी रचना है जी? जिन्हों का आंसर आ रहा है जी डॉक्टर हरभजन सिंह, बिल्कुल ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, तुसी प्रकार वांगू दायरिया दे विच जे घिरे रहना तां साडी अलविदा अलविदा 17 का लेखक कौन है? ऑप्शन है सुरजीत पत्र, बी पाश, सी डॉक्टर जगतार, डी दर्शन खटकड़। क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर दे लई सही आंसर कराया जाए, तुसी प्रकार वांगू दायरिया दे विच जे घिरे रहना तां साडी अलविदा 17 किस दियां ने? हाँ जी, ये थोड़ी जी कन्फ्यूजन पैदा कर रही ने। आंसर दो सही जापते ने, एक तो पाश ते एक डॉक्टर जगतार जी। करो जी आंसर, बाकी दो बार कट दिते है जी, हुण सही उत्तर चुनिया जाए। हाँ जी, जिहड़े भी आंसर कर रहे ने जी, डॉक्टर जगतार ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है जी, पत्थर ते नक्श हाँ मैं, मिट्टी ते हाँ नहीं हाँ, जिन्ना किसे मटाया हुंदा गया डुंगेरा। पत्थर ते नक्श हाँ मैं, मिट्टी ते तां नहीं हाँ, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डुंगेरा। 17 किस दियां हन? ऑप्शन ए डॉक्टर हरभजन सिंह, बी स स स मीशा, सी सुरजीत पात्र, ते डी डॉक्टर जगतार। 41 नंबर दे लई आंसर चुनिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41 दे लई करैक्ट आंसर करो जी, ये 17 किस दियां ने? ये 17 भी डॉक्टर जगतार दियां ने। क्वेश्चन नंबर 42 दे वल वधदे आ, प्रतिबद्धता कविता दा लेखक है? ऑप्शन है डॉक्टर जगतार, बी संत राम उदासी, सी पाश, ते डी लाल सिंह दिल। क्वेश्चन नंबर 42 दे लई आंसर चुनो जी, प्रतिबद्धता कविता दा लेखक कौन है? 42 नंबर लई चुनो जी आंसर जी। ये रचना है पाश दी, अवतार सिंह पाश दी। सो जिहड़े आंसर कर रहे ने सी ऑप्शन सब दा है सही। क्वेश्चन नंबर 43, देश है प्यारा सानू जिंदगी प्यारी नालों, देश तो प्यारे इहदे लोक हाणियां। ये 17 हैं। ऑप्शन ए मोहन सिंह, बी प्यारा सिंह सहराई, सी प्रोफेसर पूरन सिंह, डी संत राम उदासी। क्वेश्चन नंबर 43 लई आंसर चुनो जी, दित्तियां गईयां 17 किस दियां ने? हाँ जी, देश है प्यारा सानू, ये 17 ने संत राम उदासी दियां। ऑप्शन डी है आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 44, जे आई पतझड़ तां फेर की है, तुम अगली रुत च यकीन रखी, 17 किस दियां हन? बहुत महत्वपूर्ण 17, ते सब नूं आंसर पता होना। ऑप्शन ए सुरजीत पत्र, बी डॉक्टर जगतार, सी पाश, डी स स स समीशा। आंसर गलत नहीं होना चाहिए जी, 44 नंबर लई सही आंसर जी चुनिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, जिन्हों का आंसर सुरजीत पत्र आ रहा, बिल्कुल सही ए आंसर होएगा। 45 नंबर क्वेश्चन ए, खतों की उड़ीक कविता का सिरजक है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी मोहन सिंह, सी सुरजीत पत्र, डी पाश। 45 नंबर के लिए आंसर करो जी, खतों की उड़ीक कविता किस दी है? सुरजीत पात्र जी दी है, ऑप्शन सी है बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, पुरखियां नाल गल्लां करो कविता का सिरजक है? ऑप्शन ए अंबरीश, बी आसी, सी देवनीत, डी जसवंत दीद। क्वेश्चन नंबर 46 लिए आंसर करो। एक चीज़ मैनू लग रही है इस पेपर दे विच, बट डिस्कस ना ही करिए तो फायदा है, क्योंकि कई बार उस तरह के चीज़ा माइंड च रख लिया जा पेपर न सॉल्व करने के, जरूरी नहीं कि उदा ही पेपर दोबारा आ जाए। जिमें इस बार पाया 2015 का पेपर है जी,
शायद तुसी भी नोट करिया हो उस तरह दी चीज़ा जी। आंसर करिया जावे 46 नंबर दे लई जिन्हां दा आंसर आ रहा जसवंत दीद सही उत्तर होवेगा जी। हाँ जी सही उत्तर होवेगा जसवंत दीद दी कविता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिल करदा है छाल कोई पुट्ठी मारा टप जावां ये छोटेपण दियां निक्कियां निक्कियां पीड़ां रौ रीतां दे रस्से ये 17 किस दियां हन। ऑप्शन ए मोहन सिंह बी प्रोफेसर पूरन सिंह सी गुरप्रीत ते डी जसवंत दीद। क्वेश्चन नंबर 47 दे लई आंसर चुनिया जावे। देखो जिवें जिवें सीरीयल वाइज चल रहे ने क्वेश्चन तां जिमें इदा लगता है कि पेपर सैटर ने एक जो राइटर खोल लिया तो एक दो क्वेश्चन वो लगातार पा दिते है दो दो क्वेश्चन लगभग ये चीज़ा नोट कर मिल रही अपन सुरजीत पात्र लगातार आंसर आया जगतार लगातार आया अमृता प्रीतम लगातार आया कुछ इदा जाप रहा बट देखो मैं फिर उही गल कह रहा कि ये चीज़ा जरूरी नहीं कि इन फ्यूचर के भी हो इस तो बाद एक 18 के भी पेपर होया 18 तो बाद एक याद मैं आ रहा शायद 22 या 23 भी होया ठीक है जी आई थिंक 22 या 23 भी एक होया पेपर ये होया जी 22 नहीं जी 23 दे विच ही होया जी दसंबर या जनवरी की गल है फिर 22-23 दे विच इसे करके मैं कह रहा मैं एग्जैक्ट याद नहीं है चलो वो पेपर भी लभदे हैं उन्होंने भी आप करांगे डिस्कस। 47 नंबर दे लई आंसर करिया जावे किस दी यह रचना है जिन्हों का आंसर आ रहा जी जसवंत दीद करैक्ट आंसर है जी। हाँ जी देखो पिछला क्वेश्चन तो आह वाला क्वेश्चन हूँ फिर उही चीज़ वेखन नूं मिली है तो ये चीज़ कह रहा मैं। हाँ जी ये चीज़ मैं कह रहा देखो जसवंत दीद फिर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 मैं चुरस्ते दीवा जगा दिता है दीवे का कर्म रोशनी देना है राह दसना नहीं कविता किस दी है या रचना किस दी है। ऑप्शन ए अजमेर रोडे बी सुखपाल सी नवतेज भारती डी सुरजीत पात्र। क्वेश्चन नंबर 48 दे लई आंसर चुनो। हुण जिन्हें 2015 दे विच पेपर सैट किया जरूरी नहीं होई पेपर सैटर बैठा होगा सो इस तरह दी चीज़ां नूं माइंड च ना ही रखो ज़्यादा बैटर रहेगा क्वेश्चन पढ़ के उहदा आंसर समझ के करिया जावे तो ज़्यादा सही रहेगा। 48 नंबर दे लई आंसर चुनिया जावे 48 नंबर जी मैं चुरस्ते दीवा जगा दिता है जिहड़े आंसर कर रहे ने नवतेज भारती। नवतेज भारती दियां 17 ने ये तुसी सर्च कर सकते हो इंटरनेट ते बड़ी आसानी नाल तुहानू मिल जाणगीआं पिक्चर दी फॉर्म च मिल जाणगीआं। क्वेश्चन नंबर 49 बड़ी ही नरम पत्ती हाँ तूफाना दी सताई हाँ मैं टुट के साख अपनी तो तेरे कदमां च आई हाँ ये शेर है किसदा है। ऑप्शन ए सुरजीत पात्र बी विजय विवेक सी सुखविंदर अमृत डी मनजीत इंद्र। क्वेश्चन नंबर 49 लई आंसर करो। देखो 17 तो इदा जाप रहा है जिदा कि लेखक है तो आंसर दो तो हो जाएंगे फिर बार जे लेखक है तो बाकी बचे दो मनजीत इंद्र मैनू तो एग्जैक्टली पता नहीं है इन्होंने बारे मैं पढ़िया नहीं बट नेम तो लिख का ही जाप फिर रही गल सुखविंदर अमृत इन्हों बारे तो सबनों ही पता होना तो बिल्कुल ठीक है आंसर यही करैक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 50 वल वधते हैं सुन सरा सन्नाटा आसे पासे तो डर लगता है खामोशी दे आलम विच एक आसे तो डर लगता है ये 17 किस दियां ने। ऑप्शन ए विजय विवेक बी जसविंदर सी सुरजीत पात्र डी डॉक्टर जगतार। हाँ जी प्रश्न नंबर 50 ते अज दे आखिरी क्वेश्चन दे लई आंसर करिया जावे जी बाकी रहिंदे 50 क्वेश्चन इस पेपर दे आपां कल नूं डिस्कस करांगे। देखो 100 क्वेश्चन ही हुंदे आ इस पेपर दे विच ते कई वारी 75 भी हुंदे आ 18 दे विच जिहड़ा पेपर लिया उहदे च सिर्फ 75 क्वेश्चन सी ते 75 कॉमन सी आ जिहड़ा 15 वाला इहदे च 100 क्वेश्चन सी ते 50 क्वेश्चन दूजे सीगे कॉमन वाले हुण जिहड़े लै रहे पेपर
पीजीटी दा कल जिहड़ा होना उहदे विच वी 50 क्वेश्चन कॉमन आ ते 100 क्वेश्चन जिहड़ा है ओह सबजैक्ट दा है। ठीक है जी, सो इन्हां चीज़ां नूं माइंड च रख के ध्यानपूर्वक पेपर नूं अटैम्प्ट करना है जी। ठीक है, जिहड़े आंसर कर रहे ने ऑप्शन बी जसविंदर करैक्ट आंसर होवेगा 50 नंबर दे लई जी। बाकी करेंगे जी नोट डाउन जिन्हों का आंसर ऑप्शन बी तो सवाए कोई होर है। सो आई दी क्लास हुंदी जी इत्थे समाप्त हो जांदे जांदे वीडियो नूं लाइक एंड शेयर करना ना भुलना ताकि हरेक नोटिफिकेशन तुहानूं मिलदा रहे ते मिलदे रहन मोटिवेशन ते मिलदा रहे मोटिवेशन मैनू, क्योंकि तुहाडे लाइक एंड शेयर नाल हौसला अफजाई हुंदी है ते होर वधिया काम करन नूं दिल करदा जी। ठीक है जी, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पीजीटी चंडीगढ़ दियां भी वैकेंसीज आ चुकियां ने, अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्टां भावें घट ने पर तुहानूं सिर्फ एक ही चाहिए है, मीनस कि यह है कि हो सकता कि उन्हां दे विच्चों एक तुहाडी ही होवे। सो इस करके जरूर अप्लाई करो ते तैयारी अपनी करदी रहो, इस दे नाल नाल ही तैयारी चलदी रहेगी तुहाडी ते जदों भी मास्टर कैडर आउंदा उधर भी अपनी फुल तैयारी दे नाल पेपर दे सकोगे। सो इत्थे समाप्त करदे हां क्लास, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।